अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह अफशर खुश आमदी। बात करेंगे झूम के एपिसोड में फर्स्ट के रिव्यू और सेकंड के प्रोमो के बारे में। आज फर्स्ट एपिसोड में जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक प्रोफेसर का बेटा जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमता है और वहीं पे किसी पे जुल्म होने की वजह से उनका साथ भी देता है, और दूसरा वो एक लड़कों से झगड़ जाता है और वहीं उसकी दोस्त टीना को गोली लग जाती है। वो काफ़ी गुस्से में आता है और उस डॉक्टर उसको धमकी देता है, तो वहीं डॉक्टर उसे मना करते हैं कि तुम इस तरह से बिहेव मत करो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। जब वो बाज नहीं आता उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और टीना का इलाज करके उसको खतरे से बाहर निकाल देता है। वहीं जो लड़का उस पर गोली चलाता है वो कोई और नहीं बल्कि मरियम का भाई ही होता है। वहीं पुलिस वाला प्रोफेसर को बताता है अगर वो वापस ले ले केस तो उसकी रिहाई हो सकती है। तो सिर्फ वो उससे कहती है कि सब ठीक है, और जब वो आता है उसकी बात मान लेती है और केस वापस ले लेती है। और आरिहान अपनी वजह से उसके बाप की वजह से बाहर आ जाता है। उस देखता है कि वो किस तरह से, और वो कहता है कि उसकी माँ की वजह से वो उसकी हालत ये हो गया। वही शहरयार खेलता है, वो उनका पता लगवाता है कि वो लड़के कौन थे। वो जाके अपने दोस्त से मिलता है तो उसे कहता है कि मैंने जो भी किया ठीक किया, मेरी गलती नहीं थी। वहीं उससे कहता है मरियम से कि तुमने केस वापस क्यों लिया, क्या तुम डर गई थी। कैसा लगा आपको एपिसोड, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप भी अपने कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।